Assalamualaikum and good morning dear students. I hope you all are safe and sound and doing well at home. Okay students, open your book page number 80. Students, आज हम important properties of division करेंगे. ठीक है, कल हमने multiplication की थी, whole numbers थी, multiplication वाला property किया था. आज हम division करेंगे. Important properties of division. ये आपके book में मौजूद है, page number 18 पे है. Page number 18 निकाले. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय वन इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ. एनी नंबर डिवाइडेड बाय वन इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ. कोई भी नंबर जो वन पे डिवाइड हो जाए तो वो अपने आप ही इक्वल होते हैं. अगर हम किसी भी नंबर को वन पे डिवाइड करें तो वो नंबर खुद आ जाते हैं आंसर में. इफ देखिए यहाँ पे, इफ ए इज एनी होल नंबर देन ए डिवाइड वन इज इक्वल टू वन. ए डिवाइड वन, a divided by 1 is equal to a. For example, 3 divided by 1 is equal to 3. यानी कोई भी नंबर जो कि 1 के डिविजिबल है, ठीक है, तो वो अपने आप ही के बराबर आ जाते हैं. समझ आ रही है? ठीक है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ. अगर हम किसी भी नंबर को 1 की डिवाइड कर लें, ठीक है, तो वो 1 वो नंबर अपने आप ही इक्वल आता है. समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर हम 3 को डिवाइड कर लें, अगर हम 3 को डिवाइड कर ले 1 पे, दैट इज इस तरह तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोग पता हो, 3 डिवाइडेड बाय 1, सो 1 3 इज अ 3, रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया. और आप देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी 3 आ गया. हमने 3 को 1 पे डिवाइड किया तो आंसर भी 3 आ गया. ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी नंबर जो कि 1 पे डिवाइड हो जाए तो वो एक्सेल के बराबर होते हैं, यानी अपने आप ही के बराबर होते हैं. सही, ये डिवीजन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है. सेकेंड नंबर देखिए, एनी नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर, यानी जो जीरो के अलावा नंबर हो, ये होल नंबर्स की बात हो रही है. एनी नॉन जीरो होल नंबर्स, होल नंबर क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जीरो के अलावा, नॉन जीरो मींस कि जीरो के अलावा अगर कोई नंबर हो, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू वन. कोई भी नंबर यानी जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, अगर वो अपने आप ही डिवाइड हो जाए तो उसका आंसर जो है वो वन आता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एनी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल के ऊपर जो लाइन लगा है स्लैश, इसका मतलब है कि डस नॉट इक्वल. A is not equal to zero. A divided by A is equal to, अब देखिए ये जाना फॉर्म है. अगर हम कोई भी नंबर जो कि अपने आप ही डिवाइड करें तो इसका आंसर जो है वो वन आएगा. A divided by A, that is A by A is equal to one. For example, 2 divided by 2 is equal to one. अगर हम देखें 2 ले लें और इसको 2 की डिवाइड करें, अपने आप ही डिवाइड करें, तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर जो है वो वन आता है. देखिए 2 ones are 2. ठीक है, एनी नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू द इज इक्वल टू वन. कोई भी नॉन जीरो नंबर जो कि अपने आप भी डिवाइड हो जाए उसका आंसर जो है वो वन आता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करें, 2 को इटसेल्फ डिवाइड करें, यानी 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, तो आंसर क्या आएगा? वन आएगा. देखिए ये कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखिए कि अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करें आंसर क्या आता है? 2 वन का तो रिमाइंडर जो इसका जो 2 को 2 से माइनस कर रिमाइंडर 0 आ जाता है और क्वेश्चन में क्या आता है? 1 आता है. इसका मतलब है कि कोई भी नॉन जीरो नंबर यानी जीरो के अलावा जो नंबर है उसको अगर अपने आप पर डिवाइड किया जाए तो आंसर जो है वो 1 के बराबर आता है. ठीक है, ये क्या है? ये सेकंड प्रॉपर्टी है डिवीजन की. नाउ थर्ड वन, थर्ड वन देखिए, 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो होल नंबर इज 0. अगर हम 0 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें, होल नंबर क्या होते हैं कि 0 के होते हैं और भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो अगर हम किसी भी जीरो को किसी नॉन जीरो नंबर्स से डिवाइड करें तो उसका आंसर जो है वो जीरो आता है. कैसे? अब देखिए यहाँ पे, ये जीरो जीरो को डिवाइड कर ले, फॉर एग्जांपल 1 पे या 2 पे, तो इसका आंसर जीरो आएगा. कैसे आएगा? अब देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको करते हैं कि अगर मैं क्या कर लूँ, जीरो को डिवाइड कर लूँ 2 पे, तो जीरो का जीरो. ठीक है, तो इसका आंसर, इसका क्वेश्चन क्या आता है? जीरो आता है. तो अगर हम जीरो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें तो उसका आंसर जो है वो क्या आता है? जीरो आता है. क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी ऑफ डिवीजन की. 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी. फर्स्ट वन में क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर को, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, अगर हम 1 पे डिवाइड करें तो वो नंबर खुद आ जाते हैं आंसर में. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम किसी भी नॉन जीरो नंबर को डिवाइड कर ले खुद पे तो उसका आंसर जो है वो 1 आता है. किसी भी नंबर को अगर हम खुद भी डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा.
तीसरी प्रॉपर्टी में क्या गया है कि अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर जीरो आप चाहे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें या समान नंबर पे ग्रेटर में जिस नंबर पे आप जीरो को डिवाइड करें आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये आपकी बुक में मौजूद है, इधर बुक में आप इसके लर्निंग कर ले। नेक्स्ट पेज नंबर 19 निकालिए अपनी बुक का, पेज 19। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पेज नंबर 19, बुक का पेज नंबर 19 निकाले। ठीक है, ये बुक में मौजूद है, इसे राइट करने की जरूरत नहीं है, रफ कॉपी में मतलब कि बस सिर्फ बुक ही से इसको समझ लें। ठीक है, पेज नंबर 19 प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, देयर एग्जिस्ट अ होल नंबर दैट इज वन कोई भी होल नंबर जिसको हम कहते हैं असल में क्या इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। वन क्या है, होल नंबर में वन को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि अगर हम वन को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो वो नंबर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्म है, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है तो इसलिए यहाँ पे ए लिखा है, वरना ए की जगह हम कोई और नंबर भी राइट कर सकते हैं। तो अगर हम ए के साथ वन को मल्टीप्लाई करें तो ए भी आ सकते हैं, या वन के साथ ए को मल्टीप्लाई करें तब भी ए आएगा, तो इसलिए वन को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी वन को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या इसके साथ किसी के नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर को दिया जाता है। ठीक है, फॉर द होल नंबर इसके एग्जाम्पल को देखिए, अगर हम फॉर एग्जाम्पल 5 ले, अगर हम 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या 1 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करें आंसर वही 5 ही आएगा, वो नंबर खुद दिया जाएगा। ठीक है, यानी 1 क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या इसके साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें आंसर वही नंबर ही आ जाता है, तो इसलिए हम 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव क्लास ऑफ होल नंबर। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव क्लास की दो प्रॉपर्टीज है, होल नंबर्स की जो डिस्ट्रीब्यूटिव क्लास की दो प्रॉपर्टीज है, एक ओवर एडिशन है, दूसरा जो है ओवर सबट्रैक्शन है। ये फर्स्ट वन देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्लास ऑफ होल नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव क्लास ऑफ होल नंबर्स और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, ये वाला एडिशन प्रॉपर्टी है, इसको मैंने पेज पे भी लिखा है, आपकी कॉपी में भी मौजूद है, बुक में भी मौजूद है। यहाँ पे देखिए मुझे बुक्स ही से मैंने राइट किया है ये वाली प्रॉपर्टी, बस थोड़ा सा अलग अलग सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ऑफ होल नंबर्स, फर्स्ट इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब देखिए इसमें भी दो बार से, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे डबल ऑपरेशन होते हैं। एक देखिए मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन इसकी यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर, अब देखिए ए ए जो है ब्रैकेट के बाहर ए है, तो ए और ब्रैकेट के दरमियान कुछ नहीं है, लेकिन इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है, और ब्रैकेट के अंदर जो है बी एंड सी है, तो बी और सी के दरमियान प्लस का सिंबल है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में डबल ऑपरेशन होते हैं, मल्टीप्लाई के साथ या प्लस होगा, मल्टीप्लाई के साथ या माइनस होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ प्लस का सिंबल है तो हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो आप देखिए ब्रैकेट के बाहर नंबर जो है क्या होगा, ये ब्रैकेट के अंदर ईच नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका राइट साइड मिलेगा। अब देखिए ए को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे बी के साथ, जैसे कि हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं, क्लास फिफ्थ में आप लोग पढ़ चुके हो कि जब हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को, तो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर ईच नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। दैट इज, अब देखिए ए मल्टीप्लाई बी, फिर ये प्लस ए मल्टीप्लाई सी, यानी अगर हम किसी भी नंबर को, यहाँ पे आपकी बुक में है, बुक में लिखा है टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय अ सम, टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय अ सम, यानी यहाँ पे देखिए ये एक नंबर है और अंदर वाला क्या है, ये सम है, टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय अ सम, तो इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ईच नंबर, यानी हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, कौन से वाले, इनसाइड द पैरेंथेसिस, जो ब्रैकेट लगे इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, तो हर नंबर को जो पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं किस नंबर के साथ, जो आउटसाइड द पैरेंथेसिस होते हैं, आउटसाइड द पैरेंथेसिस ए है, इनसाइड द पैरेंथेसिस बी एंड सी है, तो ये एक नंबर है जो सम के साथ मल्टीप्लाई, पैरेंथेसिस के आउटसाइड पे एक नंबर है दैट इज ए, और पैरेंथेसिस के अंदर जो दो नंबर है बी और सी, तो यहाँ पे ए जो है ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे सम के साथ, सम बी प्लस सी क्या है, ये सम है,
टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय अ सम, ये क्या है, ये नंबर है ए है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बाय अ सम, सम के साथ, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ईच नंबर इनसाइड द पेरेंथेसिस, इनसाइड द पेरेंथेसिस जितने भी नंबर होते हैं वो हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय द नंबर आउटसाइड द पेरेंथेसिस, यानी आउटसाइड द पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस के बाहर जो नंबर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखिए ए जो है ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ए बी यानी ए बी या ए मल्टीप्लाई बी, फिर प्लस ए मल्टीप्लाई सी, तो ए सी भी हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके दूसरे इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी अगर हम बी प्लस सी को पहले कर ले ब्रैकेट वाले को और ए को बाहर वाले जो है एन में कर दे, जैसे कि यहाँ पे सेकंड नंबर देखिए आपकी बुक पे है नंबर सेकंड, बी प्लस सी पैरेंथेसिस वाले को फर्स्ट किया है और जो आउटसाइड वाला नंबर है उसको बाहर निकला है, इसकी पीछे किया है, तो वही आएगा कि बी बाहर वाला अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, या अंदर वाला हर टर्म जो है बाहर वाले के साथ आउटसाइड वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अंदर जो है बी है और बाहर आउटसाइड के कौन सा नंबर है, ए है, तो बी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बी मल्टीप्लाई ए या बी को दरमियान में मल्टीप्लाई सिंबल ना भी लगे तो अंडरस्टैंड है कि यहाँ पे कुछ ने ये दे दी कि मल्टीप्लाई का सिंबल है, जब दो नंबर्स के या टू अल्फाबेट्स के दरमियान कोई भी सिंबल मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, ठीक है। फिर प्लस आप देखिए पैरेंथेसिस के अंदर सी है और पैरेंथेसिस के बाहर जो है ए है, तो अब सी और ए मल्टीप्लाई हो गया है, तो सी ए या ए सी है दोनों, ठीक है, दरमियान में मल्टीप्लाई सिंबल लगाना चाहते हो तो भी सी है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे टेस्ट के तौर किया, देखिए यहाँ दोनों वाले फार्मूले हैं, अगर ए की जगह हम बी लगाए, बी की जगह फाइव एंड सी की जगह थ्री, दोनों साइड पे ए बी सी को वैल्यूज दी है मैंने, ठीक है। अब देखिए आउट साइड पे थ्री है, इन साइड जो है फाइव प्लस तो पेरेंथेसिस हम सबसे पहले जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले हम इन साइड द पेरेंथेसिस जो नंबर होंगे उसके ऑपरेशन को करेंगे, तो फाइव और टू ये इन साइड द पेरेंथेसिस है, पेरेंथेसिस के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पैरेंथेसिस के इनसाइड पे है उनके दरमियान जो भी ऑपरेशन होगा पहले हम उसी को सॉल्व करेंगे, तो उन दोनों नंबर्स के दरमियान ऑपरेशन जो है वो एडिशन का है, ठीक है। तो थ्री एज इट इज आ जाएगा अपनी जगह पे और फाइव और टू को प्लेस किया है तो सेवन का, ठीक है। अब जब हम ब्रैकेट में मूव करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेवन और थ्री जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री सेवन सा ट्वेंटी वन। अब इसके लेफ्ट साइड राइट साइड की देखिए तो राइट साइड पे जो है यहाँ पे कोई भी पैरेंथेसिस या ब्रैकेट वगैरह नहीं है, डायरेक्ट क्या है मल्टीप्लाई और एडिशन है। तो वर्ड मास रूल में हम क्या करते हैं, या मास रूल में मल्टीप्लीकेशन जो है एडिशन से फर्स्ट होती है, तो फर्स्ट हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। थ्री फाइव जा फिफ्टीन प्लस थ्री टू जा सिक्स, फिर नेक्स्ट प्रोसेस एडिशन का होगा कि हम 15 और 6 को प्लस करेंगे, तो जब 15 को 6 के साथ प्लस कर लेते हैं तो 21 आंसर आता है। तो अब देखिए राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों का आंसर क्या है, ये सेम है। तो ये क्या है, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है तो इट मींस के डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन से रहेंगे वेरीफाई होंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी भी है, ये तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर एडिशन था, अब डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर सबट्रैक्शन, यानी अगर हम प्लस की जगह माइनस लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सबट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सबट्रैक्शन, यहाँ पर भी दो फॉर्मूले हैं, टू पार्ट है इसके, ए पार्ट और बी पार्ट, यानी आगे पीछे किया है, फर्क इससे नहीं पड़ता। अब देखिए पैरेंथेसिस के और साइड पे ए है और पैरेंथेसिस के इन साइड पे क्या है, बी और सी है, लेकिन दरमियान में सबट्रैक्शन है, टू मल्टीप्लाई अ नंबर By a subtraction, अब देखिए subtraction के साथ जो है वो number multiply हो रहे हैं, हम इसमें क्या करते हैं, inside पे जो numbers होते हैं, जितने भी numbers होते हैं वो multiply होंगे outside by a number, यहाँ outside पे a है, inside पे b and c है, तो हम क्या करेंगे, इसका right side हमें कैसे मिलेगा, कि outside वाला number inside वाले इस number के साथ multiply हो जाएगा, a multiply b, फिर minus का symbol, क्योंकि दरमियान में minus का symbol है, and a multiply c। अब अगर दरमियान में आप लोग माइनस का मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना चाहते हो लगा ले, नहीं लगाना चाहते सिर्फ ए बी आप राइट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि इन दोनों के दरमियान कोई सिंबल नहीं है, उसकी मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है। इसी तरह ए मल्टीप्लाई सी की जगह आप ए सी भी राइट कर सकते हो। इसको अगर हम आगे पीछे कर लें, अगर हम पैरेंथेसिस को पहले कर ले और ब्रेकअप के बाद पैरेंथेसिस के बाहर जो नंबर है उसको एन में कर दे तो भी ये हो सकता है करेक्ट आंसर आएगा इसका। अब देखिए इन साइड पे बी एन सी है और आउट साइड पे आउटसाइड वाला नंबर इन साइड वाले हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अब बी और ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का सिंबल और सी और ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल अगर दरमियान में ना लगा तो सही, ठीक है। अब इसके एग्जांपल को देखिए कि अगर ए की जगह हम टू ले लें, बी की जगह फोर एंड सी की जगह थ्री, और बोथ साइड इसके पोटेंशियल ये जनरल फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब हम इसकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं,
उसी को हम जब सॉल्व करते हैं तो हम बोर्ड मास रूप को देखते हैं, यानी ब्रैकेट ऑर्डर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सबट्रैक्शन सब कुछ वही प्रोसेस फॉलो करते हैं, वही रूट फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट वाले को करेंगे और आउटसाइड वाले जो है ये नंबर ऐसे आएगा। फर्स्ट क्या करेंगे कि 4 से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाता है, ठीक है। अब जब हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं, सो 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 का 2। अब इसका हम क्या करेंगे, राइट साइड को करेंगे, राइट साइड पे कौन सा नंबर है, 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 अगर आपको फॉर्मूला ना भी आपको यहाँ से आप कर सकते हैं, देखिए ब्रैकेट से बाहर वाला नंबर अंदर हरे के साथ मल्टीप्लाई होता है, 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब 4 सा 8 2 3 सा 8, 8 से हम 6 को माइनस कर ले तो 2 आंसर आता है। तो देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड पे दोनों का आंसर जो है सेम है, इसका मतलब है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सबट्रैक्शन जो है ये क्या है कि वेरीफाइड हो गई है, ठीक है। अभी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज के लिए खत्म हो गए हैं, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, पेज नंबर 19 निकाले, एक्सरसाइज 2.3 आप लोग डिटेल पेज खुद रेडी कर लो, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, फाइंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो आंसर आपको मिलता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखिए 48 मल्टीप्लाई 5, जब आप 48 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो इस प्रोसेस को मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस के बाद मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आंसर मिलता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करोगे, 48 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आ जाएगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी तरह 106 के साथ 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या है, वो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। इसमें 3 पार्ट्स है, ये तीनों पार्ट आप खुद कर लो, ठीक है। अच्छा ये कुछ क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको रिपोर्ट मैंने सॉल्व किया है, आप रफ कॉपी में अपने साथ नोट करते जाए। वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट पार्ट है इसमें 3 एंड 7, सॉल्यूशन हेडिंग देने के बाद आप क्वेश्चन रिपीटिशन करोगे, क्योंकि हम कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई कर रहे हो वो भी अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्यूटेटिव लॉ राइट करने की बात कर सी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्यूटेटिव लॉ वो क्या है, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। अब फर्स्ट वैल्यू जो है ये ए हो जाएगी और सेकंड वैल्यू जो है ये बी हो जाएगी, यानी पुट ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 7 इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्यूटेटिव लॉ में हम ए और बी की वैल्यू लगा लेंगे, पुट कर लेंगे, ए की जगह 3 एंड बी की जगह 7, 3 मल्टीप्लाई 7 इक्वल बी की जगह 7 ए की जगह 3, सो 3 7s are 21 and 7 3s are 21। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर जो है वो सेम आते हैं, हिंस कम्यूटेटिव लॉ इज वेरीफाइड, ठीक है। तो ये वाले सारे क्वेश्चन के 3 पार्ट से आपने इसी तरह से जो है वो सॉल्व करना है। मैं फिर से बता दूं क्वेश्चन क्या है, 3 and 7 है, सॉल्यूशन हेडिंग की बात से 7 राइट कर लें, क्वेश्चन रिपीटेशन कर ले, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्यूटेटिव लॉ राइट कर ले, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल बी मल्टीप्लाई ए, ए की जगह 3 बी की जगह 7, ठीक है। फार्मूले में पुटिंग कर ली, 3 मल्टीप्लाई 7 इक्वल 7 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, दोनों साइड पे 3 7 जा 27 21 एंड 7 3 जा 21, दोनों साइड पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वेरीफाइड हो गई। तो इस पार्ट में 3 क्वेश्चंस है, 3 इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया, ये सेकंड और थर्ड पार्ट जो है आप लोग, ठीक है।